नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र, इस देश की खूबसूरती का कभी नंग है और उस लोकतंत्र को मजबूती देता है इस देश का कानून और संविधान। देश के संविधान में हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है और इसी संविधान का प्रीएम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए बराबरी और समान न्याय का अधिकार देती है। और यही कानून और संविधान हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। और आज जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे वह है सीआरपीसी की धारा 482 के तहत क्या है हाईकोर्ट की समाहित शक्तियां। इसके साथ ही अगर कोई और कानूनी समस्या भी आपके जहन में है, कोई और कानूनी जानकारी आप चाहते हैं, किसी और समस्या पर कानूनी सलाह आप चाहते हैं, तो आप हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे साथ जुड़कर सटीक और निशुल्क कानूनी सलाह आप हमसे ले सकते हैं। हमारी फोन लाइन खुल चुकी हैं, स्क्रीन पर नंबर आपके लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इनमें से किसी भी एक नंबर पर फोन करके आप हमारे साथ जुड़िए। हमारे साथ एक लीगल एक्सपर्ट पैनल मौजूद रहेगा, उस पैनल की सहायता से आपकी हर कानूनी समस्या में बेहतर और निशुल्क कानूनी सलाह आप तक जरूर हम पहुंचाएंगे। और इससे जो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ परीक्षित शर्मा जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। कुछ ही वक्त बाद कुछ और मेहमान हमारे साथ होंगे। परीक्षित, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। अगर हम लोग 482 की बात करते हैं, सीआरपीसी की धारा 482 क्या है, क्या ये कहती है? जी धन्यवाद। 482 सीआरपीसी का जो प्रोविजंस है वो इनहेरेंट पावर टू द हाईकोर्ट से डील करता है, हाईकोर्ट की जो पावर्स हैं उससे डील करता है कि जो हाईकोर्ट के अंदर जो समाहित शक्तियाँ हैं, जो प्रोसीजर कहीं भी सीआरपीसी में बताया नहीं गया है किसी भी प्रावधान के लिए। मान के चलिए कि यदि कोई जैसे कि कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है, जैसे कि कोई 498A के विषय में हम बात करते हैं, वो सबसे ज़्यादा आजकल आपने देखा होगा मैट्रिमोनियल इश्यूज आते हैं। पहले तो वो पत्नियां या पति के ऊपर कोई भी इस तरीके से 498 सेक्शन के अंदर वो मुकदमा दर्ज हो जाता है, उसके परिवार वालों के खिलाफ हो जाता है घरेलू हिंसा के तहत, लेकिन उसके बाद में पता चलता है कि ये तो गलत हो गया या फिर उनमें समझौता होने की बात कहीं आती है और वो सेक्शन यदि कंपाउंडेबल नहीं है तो वहाँ पे वो मीडिएशन में जाके फैसला तो कर लेते हैं, लेकिन उसको जो कंसर्न्ड अथॉरिटी होती है, जो मजिस्ट्रेट होता है, उसको कंपाउंड करने की शक्तियाँ नहीं होती। तो 482 में उसको प्रावधान दिया है कि वो हाईकोर्ट में जाके उस मुकदमे को, उस FIR को क्वेश करा सकते हैं। जी 482 का जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो FIR को क्वेश करने के लिए ही होता है। उसके अदर में प्रोसीडिंग्स, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, उसको कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी प्रोसीडिंग्स होती हैं जो कोर्ट इम्प्यून ऑर्डर कर देती है या एग्रीव्ड पार्टी उसको मतलब उसके फेवर में नहीं होता है, तो उसके लिए भी वो 482 में हाईकोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। जैसे कि कई बार लगता है कि कोई चार्ज गलत फ्रेम हो गया है, उसको भी वो जाके हाईकोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। FIR आपने देखा होगा कि गाँव में गलियों में मुकदमे हो जाते हैं, गलियों में आपस में भाईचारे में कई बार ऐसे मुकदमे हो जाते हैं, फिर बाद में लगता है कि मुकदमे तो गलत हो गए हैं, तो उस मामले में भी आप हाईकोर्ट को अप्रोच करके जो आपके खिलाफ गलत, फैब्रिकेटेड, फोर्ज, फॉल्स, फ्रिवलस मुकदमा जो दर्ज हुआ है उसको आप हाईकोर्ट के पास अप्रोच करके उसको खत्म करा सकते हैं। 482 इसका प्रोसीजर क्या रहता है ये भी समझेंगे आपसे, लेकिन इससे पहले बुलंदशहर से सोमेश हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं अब तक। सोमेश, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सर, मैं ये जानना चाह रहा था जी, ये अपंजीकृत बिल जी, जो नॉन रजिस्टर्ड बिल है, वसीयत है जी, वो वैलिड उत्तर प्रदेश में वैलिड नहीं है एग्रीकल्चर लैंड के लिए 2004 से। जी माननीय मुलायम सिंह जी ने ये आदेश जारी किया था, उस जीओ के बावजूद तहसील लेवल पे, कमिश्नरी लेवल पे और बोर्ड लेवल पे भी इस तरह के मुकदमे बराबर बने हुए हैं, बराबर चलते रहते हैं, तो उन दावों को एक्सेप्ट भी क्यों किया जाता है? ठीक है, ये समस्या आपकी नहीं है, जनहित से जुड़ी समस्या आपने कही है। अपरिशन का सवाल है कि जो अनरजिस्टर्ड विल होती है, यदि इस चीज से कहीं परेशानी है कि यदि कोई प्रावधान किसी भी एक्ट के अंतर्गत नहीं दिया गया है और
कोई भी ऐसी स्टेट ने उसको प्रोहिबिटेड कर दिया है और उसके बाद भी इस तरीके के मामले दर्ज होते हैं या उसकी सुनवाई होती है, तो आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, उसके लिए आपको रिट प्रोवाइड करते हैं, मैंडेमस में आप जा सकते हैं और वहां से हाई कोर्ट से वो आप निचली कोर्ट के लिए को वारंटो में आप जा सकते हैं, निचली अथॉरिटी के लिए, निचली अदालत के लिए आप एक आदेश वहां से ला सकते हैं कि ये जो मुकदमे आप दर्ज कर रहे हैं वो कानून के हित में नहीं है और उसको राज्य सरकार ने प्रोहिबिटेड निषेध कर दिया है, तो उसके लिए आपको वहां से वहां पे प्रावधान आपको मिल जाएगा। ठीक है सोमेश, एक जागरूक सामाजिक व्यक्ति की जो भूमिका आपने अदा की है उस बारे में आप आगे भी परस्यू कर सकते हैं, सीधा हाईकोर्ट का सारा लीजिए और अगर ऐसा हो रहा है, जो गलत प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो उन पर रोक आप खुद लगवाइए। बहुत शुक्रिया आपका मुझे जुड़ने के लिए। परीक्षित, लेकिन जानना चाहूंगा कि 482 के तहत अगर कोई चाहता है किसी FIR को क्वैश करवाना तो प्रोसेस कैसे इनिशिएट होगा इस चीज का? बिल्कुल, सबसे पहले इंटेरोगेशन इस पर निर्भर करती है। देखिए, जब कभी भी कोई FIR दर्ज होती है तो उसमें दो पक्ष होते हैं, एक प्रोसिक्यूशन का होता है, एक एक्यूज पक्ष होता है जी। तो हम यदि प्रोसिक्यूशन हमसे ये कहता है कि भाई ये तो मुकदमा हमसे गलत दर्ज हो गया है, जो मुकदमा नहीं बनता था, तो प्रोसिक्यूशन से आप एफिडेविट पे लिखवा सकते हैं, मीडिएशन से उनसे एक मीडिएटर के थ्रू उससे लिखवा सकते हैं, आर्बिट्रेशन में लिखवा सकते हैं, और वहां पर यदि वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है तो आप 482 में एप्लीकेशन लगा सकते हैं, कंसर्न जो भी कोर्ट उसमें बैठती है, टेरिटोरियल जुडिक्शन जिसका भी बनता है, और एप्लीकेशन वहां पे लगा के उस FIR को आप उसको या तो उस जो आपको मीडिएशन लेटर जो MOU आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तैयार हुआ है उसके तहत आप उसको क्वेश करा सकते हैं, या फिर आपके खिलाफ कोई ऐसा सबूत ना मिले इंटरोगेशन के दौरान जिसमें आपको FIR में एक्यूज बनाया गया है। कई बार ऐसी FIR दर्ज हो जाती है कि वो आदमी तो वहां पे ATM से पैसा निकाल रहा था या वो वहां काम कर रहा था CCTV फुटेज की कवरेज में और उसके खिलाफ इधर मुकदमा दर्ज हो गया, तो वो CCTV फुटेज जो है उसको वो कवर करके उसको अपनी चार्जशीट का पार्ट बना सकते हैं। बनाने के बाद में यदि वो इंटरोगेशन में ये आ गया कि वो आदमी तो वहां काम कर रहा है और उसके आपके पास प्रॉपर सबूत है, तो आप 482 में जाके उन सबूतों को दिखा के अपनी FIR को इजिली क्वेश्चन करा सकते हैं। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ एक और हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, मंजूषा कपिल हमारे साथ अधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच से। बहुत स्वागत मंजूषा आपका। मैं जानना चाहूंगा कि जो 482 की बात हो रही है, 482 की बात हो रही है, इसमें दो क्या पहलू सामने आते हैं, क्योंकि दोनों ही पहलू अपने आप में महत्वपूर्ण है और दोनों पहलू में से किसमें ये लागू होती है जानना चाहूंगा। पहला, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके खिलाफ FIR जो दर्ज की गई है वो गलत दर्ज की है, क्या तब भी वो 482 का सहारा ले सकता है? और दूसरा है कि अगर दोनों पक्ष राजी हों केस को निपटाने के लिए तो किस स्टेज में जाकर 482 को इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है? जी, ये जो आपका क्वेश्चन है कि अगर उसके खिलाफ कोई गलत FIR दर्ज हो गई है जी, तो वो 482 में डायरेक्ट नहीं आ सकता है, इसके लिए उसको मैंडमस की पिटीशन फाइल करनी पड़ती है सरशेरारी की, वो आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फाइल करते हैं कि मेरे खिलाफ ये FIR दर्ज जो की गई है उसमें ये गलत तथ्य हैं, मेरे पास ऐसा प्रूफ है कि ये मेरे पर एलिगेशंस नहीं मेड आउट हो रहा है या सेक्शंस मेरे ऊपर नहीं मेड आउट हो रहे हैं, ये तो हम आर्टिकल 226 में जो हाईकोर्ट की इनहेरेंट पावर है अंडर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उसमें फाइल करते हैं। 482 में जो CRPC की धारा है 482, इसमें हम लोग ये प्रोसीडिंग की दो पार्टीज के बीच में अगर किसी बात को लेकर कंप्रोमाइज हो गया है उस मैटर में, उस मामले में जिसमें CRPC में प्रावधान है कि इन दोनों के बीच समझौता किया जा सकता है, तब दोनों पार्टीज कोर्ट में अपीयर होती हैं, ये कहते हुए कि कोर्ट इन चीजों को ध्यान में रखती है कि टाइम लिटिगेशन पेंडिंग नहीं रहने चाहिए या लिटिगेशन गोइंग ऑन नहीं रहने चाहिए, कोर्ट प्रोसीडिंग्स फालतू में इसका कोई मिसयूज ना करे, कोर्ट का टाइम बचे और पिटिशनर जो लिटिगेंट्स हैं उनका भी टाइम बचे, इसलिए वो 482 धारा CRPC में आकर के कोर्ट में ये कहते हुए कि मेरे मामला ये था, अब हम दोनों लोग राजी हो गए हैं, इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, हम इन दोनों को यहीं पर सुलह समझौते से खत्म करना चाहते हैं, कोर्ट दोनों को एग्जामिन करेगी कि मेलाफाइडी तो नहीं है वो लोग या आपस में किसी तरह से कोई और तरह से तो कोर्ट को धोखा देने के उससे या गलत चीजें मैसेज करके तो नहीं आ रहे, इनको देखने के बाद अगर कोर्ट को लगता है ये मामला ऐसा है कि इन दोनों की सहमति से इसको खत्म किया जा सकता है, इससे किसी और तीसरे पक्ष को किसी तरह की कोई हानि नहीं है, तो वो ऑर्डर पास करती है 482 में। फिर यहां से जो ऑर्डर पास किया जाता है ऑनरेबल हाईकोर्ट से, जो इनहेरेंट पावर है 482 CRPC की हाईकोर्ट की, उस ऑर्डर को लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिला कचहरी में जो मामला दर्ज किया गया होता है वहां पे उस ऑनरेबल हाईकोर्ट के ऑर्डर को लगा दिया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय में हम दोनों के बीच में इस तरह की बात हो गई है और हम लोग इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, इसलिए मामला यहाँ खत्म कर दिया जाए। चलिए, बिल्कुल। इस वक्त सोनू हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सोनू अपनी बात आप रखें। मैं दो भाई थे सर जी,
एक बड़ा भाई के हक में पिताजी ने मेरे वसीयत कर दी। अब वसीयत 2015 में किया था उन्होंने, तो वसीयत कर रहे हैं 3 साल 4 हो गया जी। तो उन हमारे पिताजी गुजर गए, अब उनने वसीयत पेश नहीं की, मेरे नाम नामांतरण हो गया दोनों भाई के जी। मैंने वो लेके एक दूसरा आदमी को 3 बीघा जमीन बेच दी। अब उन्होंने हमारा बड़ा भाई वो वसीयत लगा रहा, इसमें कोई उपाय है? तो वसीयत आप दोनों भाइयों के नाम थी ना? नहीं, दोनों भाई के नाम नहीं थी, एक ही भाई के नाम थी, बड़े भाई के। तो फिर आपने किस हक से बेच दिया? देखिए, मेरा नामांतरण हो गया ना दोनों भाई का। अच्छा ठीक है, मैं जाना चाहूंगा परीक्षित शर्मा आपसे इस मामले को लेकर कि ये बात ठीक है कि अगर पिता नहीं रहते तो उनके जो बच्चे होते हैं उनके बीच में समान रूप से अगर लड़के हैं वो संपत्ति का बंटवारा होता है, लेकिन अगर वसीयत पहले हो चुकी है क्या तभी भी इनका कोई अधिकार रहता है संपत्ति पर? देखिए, यदि वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है इनके पिताजी की, तो उसमें पिताजी जिसको चाहे उसको वसीयत कर सकते हैं, लेकिन यदि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो जितना इनके भाई का उसमें हक है उतना ही इनका भी हक बनता है। और ये सूट फॉर पार्टीशन सिविल प्रोसीजर कोड में इसका प्रावधान दिया गया है, और उसमें जाके ये सूट फॉर पार्टीशन उसमें डाल सकते हैं, डिक्लेरेशन डाल सकते हैं, और उसको परमानेंट इंजेक्शन भी कर सकते हैं कि उसके दौरान जब हमारा मुकदमा चलता रहेगा कोर्ट में तो उसमें वो कोई बिल्ड ना कर सके, उसको बेच ना सके, तो ये तीनों मुकदमे उसमें डाल के इनको उसका जो ये समाधान चाहते हैं वो समाधान इनको प्राप्त हो सकता है। चलिए ठीक है सोनू, मैं उम्मीद करता हूँ बेहतर सहायता मिली है आपके सवाल के बारे में। हमारे साथ रमेश यादव जुड़ चुके हैं अधिवक्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट से। रमेश जी बहुत स्वागत है आपका चर्चा के दौरान। 482 की हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, अगर कोई पक्ष 482 के तहत चाहता है कि उसके FIR को क्वेश किया जा सके तो कैसे इनिशिएट कर सकता है, और अगर दोनों पक्ष चाहते हैं कि मामले को खत्म किया जाए जबकि वो मामला सब जुडिस है तो क्या एप्लीकेशन और कैसे उस अपनी एप्लीकेशन को उनको मूव करना होगा? रमेश जी अब तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ जी बताएं जी। सवाल मेरा यह है कि 482 को लेकर हम बात कर रहे हैं, सीआरपीसी धारा 482 के तहत एप्लीकेशन अगर कोई दो पक्ष मूव करना चाहते हैं जबकि उनका मामला सब जुडिस है, मामले को खत्म करना चाहते हैं, तो क्या संभव है, और संभव है तो कैसे करें? जी सबसे पहले तो 482 की पूरे नेचर को हम समझेंगे। सीआरपीसी की धारा 482 इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट की बात करती है, और खासतौर से हाई कोर्ट को ये इनहेरेंट पावर है। इनहेरेंट पावर से यहां तात्पर्य यह है कि वो पावर जो कोर्ट होने के उसको स्वतः मिली हुई है। तो ये हमारी जो सीआरपीसी की जो कोड है वो अपने आप में एक एग्जॉस्टिव है, उसमें सारी प्रक्रियाएं और पूरा न्यायिक प्रशासन कैसे संचालित होगा सब कुछ दिया है। लेकिन इन केस कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें कोड में प्रोविजन नहीं है, तो कोर्ट न्याय हो मामले में इस नाते वो कोई भी कदम उठा सकती, बशर्ते ये कि सीआरपीसी की किसी प्रोविजन के द्वारा उसको प्रोहिबिटेड उसको निषिद्ध न किया गया हो। अब जैसा कि आपने यहां सवाल उठाया कि मामला सब जुडिस हो, तो सीआरपीसी में खुद ही सेक्शन 320 में यह दिया हुआ है कि कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जो कंपाउंडिंग और नॉन कंपाउंडिंग होते हैं, तो उसमें वो आपस में दोनों पक्ष सुलह समझौता के द्वारा उसको निस्तारित कर सकते हैं। जो नॉन कंपाउंडिंग में दो तरह के होते हैं, एक तो है कि कोर्ट के द्वारा अगर अनुमति दी जाती है तब वो समझौता हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जो इन दोनों की श्रेणी में नहीं आते, तो वहां 482 के तहत उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि अगर दोनों पक्ष यहां आते हैं तो उनके मामलों को सुन करके और वो इस बात को कोर्ट के सामने रखते हैं कि हमारा आपस में इस मामले में का जो भी मजमून है वो कोर्ट के सामने रखा जाता है, तो इस आधार पर कोर्ट उस मामले को क्वेश कर सकती है। रद्दला सा एक चीज और बताना जी आवश्यक है कि हर तरह के मामले 482 में थे, उसके लिए 2012 में ज्ञान सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का केस है जिसमें उन्होंने एक एग्जॉस्टिव ना कही बल्कि रमेश जी शायद तक कनेक्शन में कोई दिक्कत है हमारे साथ, आप तक तो आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही इस वक्त। जयवीर हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। जयवीर अपनी बात आप रखें। मैंने एक बेनामा किया करवाया था सर
जी वो दोनों दो भाई थे वो। अब एक भाई ने अपना आंख बेच दिया था मेरे को। अब उसके बड़ा भाई वो ऑब्जेक्शन कर रहा है, उस पे दाखिल खारिज नहीं होने दे रहा है, इसमें कोई उपाय है? ठीक है जयवीर, दरअसल एक ऐसी ही दिक्कत कुछ बदले हुए स्वरूप में हमारे साथ पहले कुछ दर्शक जुड़े थे, लेकिन मंजूषा कपिल क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी ये जो आपका मैटर है ना 482 से रिलेटेड है, बल्कि सिविल मैटर है। इसमें आपका कहना ये है कि आपने एक बैनामा किया था, एक भाई ने आपको बैनामा किया, दूसरा भाई उस पर ऑब्जेक्शन कर रहा है और उसको म्यूटेशन नहीं होने दे रहा, मीन्स दाखिल खारिज नहीं होने दे रहा है। अब इसमें देखना यह है जो प्रॉपर्टी जिसका बैनामा इन्होंने कराया था, तो जो भाई उस पर ऑब्जेक्शन कर रहा है, क्या वो बंटवारा उसमें आपस में हो गया था दोनों भाइयों का, उस पर बराबर का हक है? और हक है तो बंटवारा हो गया था क्या? क्योंकि अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो इसमें ये तय ही नहीं हो पाएगा कि जो जमीन पूरी है उसमें कौन सा पार्ट एक भाई का है जिससे इन्होंने बैनामा लिया है, और दूसरा पार्ट कौन सा है दूसरे भाई का जिसने ऑब्जेक्शन किया है जी। या जिस भाई ने इनको बैनामा किया है उसको क्या वसीयत है? और वसीयत के लिए भी हमें परीक्षित सर बता ही चुके हैं कि किस तरह की वसीयत को आगे मान्य होगी। अगर दूसरे भाई का भी बराबर का हक है तो वो इसी बेस पे ऑब्जेक्शन कर रहे होंगे कि एक भाई ने बैनामा तो कर दिया है लेकिन उनका भी उसमें हक है, और हक होने के बावजूद उनसे पूछा नहीं गया या उनसे सलाह नहीं ली गई। अब दाखिल खारिज होने का मतलब है कि आपके पास सारी जमीन आपके नाम, रेवेन्यू आपके नाम से जाएगा, इसलिए दूसरा भाई ऑब्जेक्शन कर रहा है। इसके लिए जिस पार्टी से आपने बैनामा कराया है उनसे पेपर्स को देखते हुए अगर उनके बीच पार्टीशन सूट फाइल नहीं हुआ है तो उनको पूछिए कि किस हक से उन्होंने पूरी बेची थी, और उस पर आप जो अपोजिट पार्टी है जिसने आपको बैनामा किया, अगर आपको लगता है उसने आपके साथ धोखाधड़ी की है तो आपके लिए सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं, बैनामा कैंसिलेशन भी फाइल कर सकते हैं, प्लस फोर्जरी का केस भी आ सकता है कि उसने बिना इस चीज को धोखाधड़ी से इनको बेच दिया जबकि दूसरे भाई का हक है। जी ठीक है, उम्मीद करता हूँ जयवीर आपको बेहतर सहायता इस संबंध मिली है। परिषद में जानना चाहूंगी 482 के बारे में और क्या क्या जानकारी एक व्यक्ति को होनी चाहिए। 482 के मामले में इन्वेस्टिगेशन, कई बार आपने देखा होगा आनंद जी कि इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है लेकिन उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती है, तो उस इन्वेस्टिगेशन यदि वो प्रॉपर नहीं हो रही है तो उसमें 482 में भी आप जा सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालयों को हाईकोर्ट को ये पावर होती है कि वो इन्वेस्टिगेशन को इंटरफेयर कर सकती है जी। लेकिन उसके पैरामीटर तय किए गए हैं, वो ये कह सकती है कि भाई आप इस इन्वेस्टिगेशन को इतने टाइम लिमिट में कंप्लीट करके हमें दीजिए। तो इस मामले में वेंकटेश सुब्रमण्यम एंड अदर वर्सेज एमके मोहन वाले मामले में बताया गया था कि इन्वेस्टिगेशन जो पार्ट होता है वो पुलिस का डोमेन होता है, लेकिन यदि पुलिस उसको अच्छी तरीके से जो प्रोसीजर सीआरपीसी में प्रावधान दिए गए हैं वो उसके तहत उसको नहीं कर रही है तो हाई कोर्ट उसको डायरेक्ट कर सकती है कि आप इन्वेस्टिगेशन को एज सून एज पॉसिबल निपटाइए, क्योंकि इससे जस्टिस डिले होता है और जस्टिस जहां डिले हो जाता है वहां डिनाई शब्द आ जाता है। तो इसलिए हाई कोर्ट में आप 482 में जाके इसको भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कई बार ऐसा हो जाता है कि FIR दर्ज हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन भी हो जाती है, लेकिन जो मामला है वो नहीं बनता होता है कि चार्ज फ्रेम गलत हो गए हैं, तो वो जब कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग किसी इंफीरियर कोर्ट के द्वारा कर दी जाती है, जो निचली अदालतें हैं, मान के चलिए कोई चार्ज फ्रेम कर दिया गया ऐसे मामले में जिसमें चार्ज फ्रेम नहीं होना था, तो आप 482 में उस चार्ज के अगेंस्ट भी जा सकते हैं हाई कोर्ट में कि इसको ये चार्ज जो है ये गलत लगे हैं और यहाँ पे तो डिस्चार्ज बनता था, यहाँ चार्ज फ्रेम गलत हो गया है। तो इस तरीके की प्रोसीडिंग्स इसमें दी हुई है, और हाई कोर्ट के पास अपना मैटर रिव्यू करने की पावर नहीं होती है, जो उसने ऑर्डर दे दिया है उसको रिव्यू नहीं कर सकती 482 में। कई इसमें बहुत ज्यादा कंट्रडिक्शन है कि 482 में हाई कोर्ट उसको रिव्यू कर सकती है, लेकिन वो सीधा बताया गया है, एक जजमेंट है उसका नाम मैं बताऊंगा, लेकिन वो रिव्यू नहीं कर सकती हाई कोर्ट अपने ऑर्डर को। ठीक है, लेकिन मंजूषा कपिल मैं जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे भी मामले हैं जिनके जिन मामलों को 482 के तहत क्वेश्चन नहीं करवाया जा सकता? जी, कुछ ऐसे हीनियस क्राइम जिनको गंभीर अपराध कहते हैं, अब जैसे मर्डर का केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, या 307 का ऐसा केस है जिसमें इंटेंशनली, सबसे पहली चीज होती है किसी अपराध को करने की मंशा, वो कोर्ट देखती है प्रोसीडिंग में आता है कि क्या। अब आप कहिए कि हम 482 के तहत जा करके 302 का जो मर्डर केस है, आपस में दोनों पार्टी कहती है कि नहीं ठीक है भाई ऐसा ऐसा हो गया तो हम लोग आपस में बातचीत करके इस मामले को सुलझा लेते हैं और चल के कोर्ट में इसको खत्म करा लेते हैं। तो ये इस तरह के जो गंभीर अपराध हैं जो हमारे सीआरपीसी में दंड प्रक्रिया संहिता में एक धारा में बताए गए हैं कि कौन कौन से अपराध ऐसे हैं जिनमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते और कोर्ट में हम 482 में नहीं जा सकते।
अब रेप केस है, इसके लिए एक सेक्शन अभी जोड़ा गया था सीआरपीसी में जिसमें प्ली बार्गेनिंग की बात आई, उन केसेस को भी कहा गया कि हाँ कुछ केस ऐसे हैं जो किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंजरी ऐसी हो जो इररिपेबल लॉस हो या सोसाइटी के अगेंस्ट हीनियस क्राइम हो, उसमें हम नहीं आ सकते 482 में आकर के ये नहीं कह सकते कि नहीं ऐसा बहुत गंभीर अपराध हुआ था, डबल मर्डर या ऐसा मर्डर या रेप है या छोटी बच्ची के साथ में कोई अपराध है या किसी डकैती अब की गई है, डकैती में कहिए कि हम जाकर के डकैती की है, मर्डर भी किया है और जाकर के वो एक पार्टी कहेगी नहीं डकैती हो गई मर्डर हो गई मुझे थ्रेटनिंग मिल रही है तो अब हम मुकदमा वापस ले लेते हैं, ऐसा नहीं करते या प्रोसीडिंग हम नहीं आगे इसको गोइंग ऑन कर पा रहे हैं या मेरी सामर्थ नहीं है या हम किसी भी वजह से, तो ऐसे अपराध कोर्ट में खत्म नहीं किए जा सकते। इसके अलावा एक चीज जो आती है 482 में, हम उन मामलों में कोर्ट में आ सकते हैं जिसमें FIR दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद चार्जशीट आ गई जी, FIR दर्ज होने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया चार्जशीट आ गई, चार्जशीट कोर्ट में चली गई, अगर बिलो 7 ईयर केसेस हैं तो उसमें आर्टिकल 41A में है ऑनरेबल कोर्ट्स के भी ऑर्डर है डायरेक्टली उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि बिलो 7 ईयर केसेस है, पनिशमेंट उनका बिलो 7 ईयर है या अप टू 7 ईयर है, इससे ऊपर के केसेस हैं उसमें चार्जशीट आई, चार्जशीट आने से पहले अरेस्टिंग हो सकती है, जब अरेस्टिंग होने की संभावना है मेरे खिलाफ FIR दर्ज है हमें अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन मेरे पास ऐसा भी है कि हाँ हम पे ये अपराध नहीं बन रहा है या मैंने अपराध नहीं किया, अपनी बात कहने के लिए आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम रिट फाइल कर सकते हैं, 482 में हम उसमें आते हैं जिसमें कोर्ट में मैटर आ गया है, मामला कोर्ट के सामने आ गया, न्यायालय के सामने आ गया, लोअर कोर्ट में सामने आ गया है, अब उसमें कोर्ट प्रोसीडिंग है जो उसमें कहीं से बात हमें ऐसी लगती है कि जहां पे हमें अपनी बात कह देनी चाहिए थी, चार्जशीट आई, बिलो 7 ईयर का केस लेते हैं जिसमें 7 साल से कम की सजा है 7 साल तक की सजा है, चार्जशीट आई, कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया कि हाँ ये संज्ञान लिया जाता है, आरोप पत्र पत्रावली संलग्न किया जाता है, संज्ञान लिया जाता है, सबूत तलब करने की दंडित करने की कृपा करें, चार्जशीट की लास्ट लैंग्वेज होती है, अब कोर्ट ने समन कर दिया, समन करने के बाद पता चला कि मुझे समन किया गया है किसी कोई आपराधिक मामले में, तब हम 482 में उस समन को चैलेंज करेंगे, ये जो समन किया गया है मुझे अपनी बात ये कहनी है कि इसमें ऐसे से मेरे पास आधार है कि अपराध मुझ पे नहीं बनता है, या इसके पहले समन जो हमें किया गया उसके अगेंस्ट हम रिवीजन फाइल करेंगे जी, रिवीजन में आता है कि मैं ये समन किया गया। मैं वापस लौटूंगा क्योंकि वक्त कम बचा मेरे पास, मैं एक और छोटा सवाल का जवाब चाहूंगा परिषद शर्मा आपसे, की बात साफ है किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके खिलाफ केस गलत दर्ज किया गया है तब वो जा सकता है, या दो पक्ष आपसी समझौता के तहत केस खत्म करना चाहते हैं तब जा सकते हैं, लेकिन दो पक्ष अगर आपसी समझौता के तहत केस खत्म करवाते हैं जी, बाद में किसी एक पक्ष को लगता है कि केस खत्म हुआ तो गलत हुआ, तो क्या केस रीओपन करवा सकता है या उसको नया केस दोबारा दर्ज करवाना होगा? नहीं नहीं, डबल जियोपार्टी हो जाता है, इसमें प्रोविजन है सीआरपीसी के सेक्शन 300 में प्रोविजन दिया हुआ है कि यदि किसी भी मामले का एक बार विचारण हो चुका है और उसमें कोई ऐसा डिसीजन आ चुका है या तो एक्विटल हो गया है या उसको कन्विक्शन हो गया है, तो दोबारा एक उसी पॉइंट पे जो सेम पॉइंट पे जिसमें उसको क्वेश्चनिंग हो चुकी है 482 में एक FIR को, तो सेम मुद्दे पे वो FIR दोबारा दर्ज नहीं करा सकता, लेकिन यदि उसको उसी मामले से संबंधित कोई ऐसी ग्रीवेंसीज हैं कि उसके बाद में उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अपमानित उसको करा जा रहा है सोसाइटी के अंतर्गत कि भाई हमने तो तेरे को जबरदस्ती जो है 482 में वहां से हमने मुकदमा दर्ज खत्म करा दिया, अब मैं तेरे को मारूंगा पीटूंगा, यदि उससे संबंधित उससे कोई भी आगे का कोई भी ऐसा अपराध हो रहा है कंजिक्यूटिव मैनर में, तो वो उसकी एक फ्रेश कंप्लेंट दे सकता है और वो जो कंप्लेंट दी जाएगी वो बिल्कुल फ्रेश तरीके से ट्रीट की जाएगी, FIR दर्ज होगी, इंटरोगेशन होगी, इंटरोगेशन होने के बाद में चार्जशीट बनेगी, जमा होगी, और जैसे अभी मंजूषा जी ने बताया कि यदि वो चार्जशीट जमा होने के बाद में एक्यूज पार्टी को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ गलत ऐसा काम हुआ है, चार्जशीट में जो इंटरोगेशन हुई है उसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत ही नहीं बनता है, तो जो समन उसको किए जाते हैं उस समन को वो 397 पहले रिविजन में जाके चैलेंज कर सकता है, नहीं तो वो 482 में भी जाके उसको कैच करा सकता है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, परीक्षित शर्मा, मंजूषा कपिल और रमेश यादव इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस बारे में जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इंस्टीट्यूट लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को बेहतर समान रूप से न्याय मिले, इस संबंध में कोई भी दिक्कत आपके सामने आती है तो इस प्रोग्राम के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।